यहाँ पर हम देखेंगे मिश्रण से रेलवे के एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के वो हम देखते हैं। एलिगेशन जिसे मिश्रण कहते हैं, तो उसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलिगेशन या फिर जिसे हम कह सकते हैं मिश्रण, तो उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एक जार में 40% स्प्रिट युक्त मिश्रण है, यानी एक जार है उसमें 40% क्या है स्प्रिट है और 60% कुछ और है, इस तरीके का मिश्रण है। अब क्या करना है, इस स्प्रिट में से कुछ स्प्रिट निकालना है और निकालने के बाद में इस जार के अंदर, ये जो जार है जिसमें 40% स्प्रिट था, इस जार में 90% स्प्रिट वाला मिश्रण डालना है। 19% स्प्रिट वाला मिश्रण इस जाल के अंदर डालना है। जब इस जाल के अंदर डालते हैं तो अब स्प्रिट का मिश्रण यहाँ पर कितना हो जाता है, 26% स्प्रिट हो जाता है। कितना हो जाता है, 26% यहाँ पर स्प्रिट हो जाता है। तो ये हमें बताना है कि ये निकाला हुआ भाग कितना है, ये हमसे पूछा है कि स्प्रिट का निकाला हुआ भाग कितना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं मिश्रण का नियम क्या कहलाता है, कि सबसे पहले 40 था, पहले 40% स्प्रिट था और बाद में 19% मिश्रण मिलाया है, दोनों को मिलाने से यहाँ पर कितना आ रहा है, 26% आ रहा है। 26 यहाँ पर रखेंगे हम, तो ये मिश्रण का नियम है जिससे हम करते हैं इसको सॉल्व। यानी दोनों जारों का हमने दे दिया है कि दोनों जार, पहले जार में 40% स्प्रिट है, दूसरे बार जार में 19% स्प्रिट है, और तीसरे जार में जब ये मिल जाते हैं तो 26% स्प्रिट हो जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आता है 7, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 14 आएगा, यानी कि 1:2 आएगा। अब यहाँ पर हमें बताना है कि मिश्रण से निकाली गई मात्रा क्या है, तो मिश्रण से निकाली गई मात्रा कैसे निकालेंगे, निकाली गई मात्रा वो आ जाएगी 1/(1+2), यानी 1/3 निकाली गई मात्रा आ जाएगी। यानी 40 का 1/3 हम निकाल देते हैं तो वो निकाली गई मात्रा यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो अलग अलग बर्तनों में जिंक और कॉपर के मिश्रण में जिंक व कॉपर का अनुपात 2:11 व 5:21 है। तो दो अलग अलग मिश्रण दे रखे हैं, एक जिंक और कॉपर पहला पात्र है, उसके अंदर जिंक और कॉपर का जो अनुपात दे रखा है वो 2:11 दे रखा है। दूसरा जो पात्र है उसके अंदर जिंक और कॉपर का अनुपात है वो दे रखा है 5:21। अब क्या करना है, इन दोनों मिश्रणों को तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिंक और कॉपर का अनुपात 1:5 हो जाए। तो तीसरे में इसको किस अनुपात में मिलाएं दोनों को, ताकि ये अनुपात कितना हो जाए, 1:5 हो जाए। ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर किस अनुपात में मिलाएं इनको, यानी पहले पात्र को किस अनुपात में मिलाया, दूसरे अनुपात को किस, दूसरे पात्र को किस अनुपात में मिलाया। तो सबसे पहले देखें कि तीसरे पात्र में जो जिंक की मात्रा होगी या कॉपर की मात्रा होगी वो क्या होगी। जैसे कि तीसरे पात्र में जिंक की मात्रा कितनी होगी, 2/13 प्लस, तीसरे पात्र में जिंक की मात्रा यहाँ पर है, जिंक की मात्रा 2/13, 13 में से 2 भाग है, और यहाँ पर है 5/26 जिंक की मात्रा, क्योंकि दोनों में से 26 में से 5 हिस्सा है यहाँ पर। और तीनों को, दोनों को मिलाने पर हमारे पास में क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है, यानी कि ये हिस्सा आ रहा है हमारे पास में 1/6, ये मिश्रण का नियम कहता है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/26 में से 1/6 जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास में, 5/26 माइनस 1/6, तो यहाँ पर आ जाएगा
156, 30 माइनस 26 यानी 4/156। यहाँ पर हम देखें 2/13 माइनस 1/6 जाएगा, अठहत्तर, 6 × 12 = 13 यानी माइनस के या 1/78 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखें 78 से दो बार कट रहा है वैसे तो ये 1/78 आ जाएगा। अगर इसको चार से काटे हैं, क्या चार से कट रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 9 × 4 = 36, 1/39, और इधर 1/78। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखें कि इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये आता है 2:1। क्या आएगा, 2:1। अब इसमें पूछा है कि किस अनुपात में मिलाएं, तो इन दोनों को हमें किस अनुपात में मिलाना होगा, 2:1 में हमें मिलाना होगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि तो दोनों से 78 से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं तो 2:1 आ जाएगा हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बर्तन ए और बी में स्प्रिट तथा पानी का मिश्रण 2:1 और 2:3 है, तो दो पात्र हैं फिर या दो बर्तन ले लेते हैं। ए बर्तन में स्प्रिट और वाटर का जो अनुपात है वो है 2:1 और दूसरे पात्र में स्प्रिट और वाटर का अनुपात है वो है 2:3 और तीसरे पात्र में इनको मिलाया जाता है, तो तीसरे बर्तन में मिलाने से मिश्रण में पानी की मात्रा 1/2 है, तो पानी की मात्रा 1/2 है, तो आधा पानी है आधा क्या होगा, स्प्रिट होगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। पानी की मात्रा 1/2 है यानी कि 1:1 है, तो मिश्रण में दोनों मिश्रणों की ली गई मात्रा का अनुपात निकालना है, तो इसी से निकालेंगे हम दोनों मिश्रणों से ली गई मात्रा का अनुपात जो अभी क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या था, 2/3 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखें हम कि दोनों मिश्रणों में ली गई मात्रा का अनुपात हमें निकालना है, तो इस तरीके से देखेंगे हम 2:1, तो ये 3 हो रहा है योग, यहाँ पर 2:3 यानी योग यहाँ पर कितना हो रहा है, 5, तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं कि 1/3 वाटर के लिए सॉल्व करें क्योंकि वाटर हाफ दिया हुआ है, तो वाटर के लिए सॉल्व करेंगे हम 1/3 और इधर दिया हुआ है 3/5, और वाटर कितना दिया हुआ है, वो हाफ दिया हुआ है यानी 1/2 दिया हुआ है वाटर, इससे सॉल्व करेंगे इसको तो 3/5 में से 1/2 जाएगा, 3/5 में से 1/2 जाएगा तो 10, 6, 5 1/10 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/3 में से 1/2 जाएगा तो 6, 2 - 3 यानी 1/6 आएगा इधर। अगर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 6:10 यानी कि 3:5 आ जाएगा, तो 3:5 में हम इसको मिलाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 20 kg कीमत वाले गेहूं को 10 kg मात्रा को 15 रुपये प्रति केजी वाले और 5 kg गेहूं की मात्रा को साथ में मिलाता है, तो प्राप्त मिश्रण को 21 रुपये प्रति केजी की कीमत में बेचता है, तो लाभ रुपये में बताइए। तो एक दुकानदार क्या है, उसके पास में 20 kg गेहूं है, 20 kg या 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो गेहूं हैं उसके पास में, उन गेहूं को मिलाता है 10 kg मात्रा, 20 रुपये प्रति केजी वाले गेहूं हैं उनकी 10 kg गेहूं किसके साथ में मिलाता है, 5 kg गेहूं की मात्रा के साथ में, तो 15 रुपये वाले
5 केजी गेहूं की मात्रा के साथ में मिलाता है, यानी एक तरफ 15 रुपये किलो के 5 केजी गेहूँ ले लिए, एक तरफ 20 रुपये किलो के 10 केजी गेहूँ ले लिए, दोनों को यहाँ पर मिला दिया है, और मिलाने के बाद में मिश्रण को 21 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलता बेचता है, 21 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा, तो उसे लाभ कितना हुआ वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखें 10 केजी, यहाँ पर के देखें 5 केजी, 10 केजी 20 के हिसाब से मिला रहा है यानी 200 रुपये का, और यहाँ पर 15 केजी 5 केजी 15 रुपये के हिसाब से मिला रहा है यानी 75 रुपये का, यानी 275 रुपये टोटल उसने मिलाया है। कितने के लिए? 15 केजी के लिए, तो 15 का भाग दे देंगे यहाँ पर, 15 एकम 15, 12 बचेगा, 15 दुनी 30, 15 तो ये हमारे पास में आ जाता है। अब क्या कर रहा है वो 21 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, तो 15 को 21 के हिसाब से बेचेगा, तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 105, 8 लगेगी 10, और 21 कम 21 10 31, 315, तो 315 में से हम 275 घटा देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर? बचेगा 11 में से 7 गए तो 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, क्योंकि 40 रुपये का उसको क्या होगा? लाभ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया है। दो तो पात्र हैं ए और बी में स्पिरिट और जल का अनुपात है 7:2 और 5:3 है, स्पिरिट और जल, एक पात्र में 7:2 है और दूसरे पात्र में स्पिरिट और जल का अनुपात है वो 5:3 है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त किए गए नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 5:2 हो जाए? तो 5:2 करना है, किस अनुपात में मिलाएं वो हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम कोई भी एक ले लेते हैं, यानी ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं जल, तो जल के साथ में मान लो सॉल्व कर लेते हैं, तो स्पिरिट और जल का अनुपात निकालना है, तो स्पिरिट के साथ में हम सॉल्व करेंगे, 7/9 यहाँ पे आ जाएगा, 5/8 दोनों का योग नीचे की साइड, और बीच में आ जाएगा 5/7, अब 5/8 में से 5/7 जाएगा तो क्या बचेगा? 5/56, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये बचेगा 4/63, क्योंकि यहाँ पर देखें हम 63 कॉमन ले ले, 47 49 -9 45, तो 7/4/63 यहाँ पर देखें हम, ये 56 कॉमन ले लें, 8 45 -35 यानी 5/56, तो ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास अनुपात आ रहा है। अब इस अनुपात को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अनुपात को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए या इसका अनुपात निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, 1/56 अनुपात निकालना है, तो 4 × 63 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, 7/8 56 7/9 63, तो ये आ जाएगा 45 35 9 45 32, तो इस तरीके से भी हमारा अनुपात है यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें निकालना है कि हम कितना पानी एक 20 लीटर लिक्विड में मिलाए हैं, तो एक 20 लीटर हमारे पास में लिक्विड है, उसमें कितना पानी मिलाए हैं ताकि उसकी रेट है वो 37 रुपये 50 पैसे से घट करके कितनी हो जाए, 30 रुपये पर लीटर हो जाए, ये हमें बताना है।
तो यहाँ पर हम देखें कि जो मिक्सर है 20 लीटर है, मात्रा हमें पता नहीं है कि कितना पानी मिलाना है, तो ये एक्स मान लेते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले 37 का हमारे पास में भाव है, 37.50 रुपये, तो ये रेट है पानी की मिलाना है। तो पानी की प्राइस क्या है? जीरो, कि पानी मिलाने की कोई रेट नहीं है, तो जीरो आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर द्रव है जो भी है जिसकी रेट है वो दी हुई है, यहाँ पर पानी है जिसकी कोई प्राइस नहीं है। दोनों को मिलाने पर 30 रुपये के हिसाब से इनकी रेट आ जाती है। तो 30 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर 7.5 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 30 और 7.5 को, कि 20 लीटर हमारे पास में क्या है जो भी मिश्रण है उस टाइम रेट हमें क्या है, तो यहाँ पर कुछ दी हुई है उसको मान लेते हैं कि एक्स है 20 के लिए, और जब 30 आया है तो यहाँ पर 7.5 आ रही है। 30 इक्वल टू 7.5, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी 2YX इक्वल टू 3Y 7.5। तो 7.5 × 2/3, 5 × 1.5, 15 × 30, 3X की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, 25 आएगी, 25, 25 × 50, 5 लीटर। तो 5 लीटर अगर हम और मिला देते हैं तो ये रेट इतनी आ जाती है यहाँ पर 30 रुपये के हिसाब से। तो ये हमारा आंसर होगा, 5 लीटर पानी मिश्रण में मिलाई गई पानी की मात्रा कितनी होगी? 5 लीटर पानी मिला सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दो बर्तन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात है 3:1 और 5:3 है। अल्कोहल और पानी का अनुपात है, पात्र ए में 3:1 है और पात्र बी में 5:3 है। तो इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? तो इसको किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिश्रण हमें प्राप्त हो रहा है उसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? 2:1 यहाँ पर हो जाए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल और पानी का पूछा है तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 3/4, नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पर देखें 5/8 आ जाएगा, और यहाँ पर देखें हम 2/3 आ जाएगा। जैसे सॉल्व करते हैं इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, अंतर निकाल लेंगे। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे कैसे आएगा, नीचे 24, 8 × 16, 15, 1/24 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 6 LCM ले लिया, 12 LCM ले लिया, 9 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, तो 1/12 आ जाएगा यहाँ पर। अगर इसको सॉल्व करें तो इसको 24 से इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो इनको किस अनुपात में मिलाएंगे हम, 1:2 में मिलाएंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अलग अलग बर्तन ए और बी में दूध और जल का अनुपात है वो 5:2 और 4:1 है। 5:2 और 4:5 है, ए बर्तन में और बी बर्तन में, किसका? दूध और जल का, दूध व जल का यह अनुपात दिया हुआ है। और दोनों द्रवों का मिश्रण
का अनुपात क्या होना चाहिए जिससे कि दूध का मात्रा है 3/5 भाग होना चाहिए। तो दूध की मात्रा 3/5 भाग होगी, तो यहाँ पर दूध की मात्रा दे रखी है 3/5 भाग होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बताना है कि दोनों द्रवों के नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों मिश्रण किस अनुपात में मिला जाए। तो दूध दिया हुआ है तो दूध से स्टार्ट करेंगे, दूध से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 5/7 आ जाएगा। अगर जल दिया होता तो जल से स्टार्ट करते हैं, यानी जल के रेशियो को ऊपर रखते, यहाँ पर 5/7, यहाँ पर 4/9, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, दूध का अनुपात दिया है 3/5। हम दोनों का अंतर निकालेंगे, यहाँ पर दोनों का अंतर निकालने पर क्या आएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 5 × 4 = 20, यानी 7/45 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से इसको निकाले हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 35, अब 35 के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, 5 × 25, 7 × 21, यानी 4/35, 4/35 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/45 * 4/35, दोनों का हम क्या करते हैं अनुपात निकालते हैं, तो 5 से 7 बार, 5 से ये 9 बार, तो ये आ जाएगा 49:36, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर और जिंक में 150 ग्राम मिश्रण धातु में 60% कॉपर है, तो कॉपर व जिंक की 150 ग्राम की मिश्रण है, उसमें 60% क्या है, कॉपर है, तो 60% कॉपर है, इसका मतलब क्या है, 40% जिंक होगा। तो यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर जिंक, जिंक 40% है, 60% यहाँ पर कॉपर है 150 में से, तो 150 का अगर 60% निकालते हैं तो 90 आ जाता है कॉपर, और 60 आ जाएगा जिंक, इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें कितनी मात्रा में कॉपर अलग से मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा 70% हो जाए, तो 60% की जगह 70% हो जाए, तो कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए, कितना कॉपर यहाँ पर मिलाया जाए वो हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉपर और जिंक की मात्रा, तो कॉपर 70% हो जाए तो जिंक कितना होगा, 30, सीधी सी बात है, ये 90 आ गया, ये 60 आ गया है, तो इसको कितना मिला है ताकि ये 70% हो जाए, तो ये 30% अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 में पूछा है, तो 90 में कितना मिला है, तो 90 में मान लेते हैं कि x मिला दिया, 60 में कुछ मिलाना नहीं है, ताकि ये कितना हो जाए, 70% हो जाए, और ये 30% हो जाए, तो इसका मतलब 7/3 हो जाए। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 7 × 6 = 42, 720, और 9 × 3 = 27, 270, और 3x, तो 3x = 420 - 270, 0, 5, 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई यहाँ पर, तो 50 लीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा, कि 50 ग्राम हमें मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के 20 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपये 10 किलोग्राम गेहूं जिनका मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ मिलाता है, यदि मिश्रण में 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा, वो पूछा है। तो एक दुकानदार क्या कर रहा है, 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसके पास में गेहूं है, तो 16 रुपये प्रति केजी के गेहूं जिस रेट से उसने खरीदे हैं, क्रय मूल्य वाले गेहूं हैं, उनको उसने क्या किया है,
20 किलोग्राम गेहूँ ऐसे कितने किलोग्राम गेहूँ है, 20 किलोग्राम गेहूँ ऐसे 16 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदे हैं उसने। 20 किलोग्राम गेहूँ को 10 किलोग्राम गेहूँ, इन 20 केजी को 10 किलोग्राम गेहूँ है जिनके साथ में मिलाता है, जिनकी रेट है 12 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या दे रखी है? 12 रुपये प्रति केजी उनकी रेट दे रखी है। यदि वह मिश्रण में इस मिश्रण को 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, और जो मिश्रण है ये 30 केजी का जो टोटल मिश्रण हो रहा है इसको 17 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, तो उसे कितना लाभ हुआ है वो हमें निकालना है। तो कैसे देखें, 30 को 17 के हिसाब से बेच रहा है तो 17 से 51 यानी 510 रुपये का बेच रहा है। खरीद उसने कितने की थी, 20 केजी गेहूँ 16 के हिसाब से खरीदे थे यानी 16 दूनी 32 320 रुपये के, तो ये गेहूँ खरीदे थे 20 केजी, और 12 रुपये के हिसाब से ये गेहूँ खरीदे थे यानी 120 रुपये के ये गेहूँ खरीदे थे, तो 0 4 4 440 रुपये गेहूँ खरीदे थे, 510 के उसने बेच दिए, तो लाभ कितने को हुआ 60 और 10 70 रुपये का। तो लाभ कितने का हो गया उसको, यहाँ पर 70 रुपये का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दो पात्रों में दूध और पानी का अनुपात है 5:4 और 3:5 के अनुपात में भरे हुए हैं। आधे दूध और आधे पानी के नए मिश्रण को प्राप्त करने के लिए यह किस अनुपात में मिलाए जाने की संभावना है? तो ए और बी दो अनुपात दे रखे हैं दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर यानी दूध और पानी। ए पात्र में तो दिया हुआ है कि 5:4 है, बी पात्र में दिया हुआ है 3:5। अब यहाँ पर पूछा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो तीसरा पात्र है यानी सी पात्र है उसमें आधा आधा आ जाए। आधा आधा का मतलब है कि 1:1 में ये आ जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दोनों के लिए पूछा है। अगर मिल्क के लिए पूछता तो मिल्क से स्टार्ट करते हैं हम, वाटर के लिए पूछता तो वाटर के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोनों के लिए पूछा है तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं दोनों के लिए। तो 5/9 और यहाँ पर आएगा 3/8, फिर दोनों का योग नीचे कैसा आएगा, तो 3/8 और नीचे आएगा यहाँ पर सेंटर में आएगा 1/2। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, 8 LCM ले लिया, 4 - 3 यानी 1/8 आएगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ भी एलसीएम ले लिया 18, 10 - 9 1/18 आ रहा। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 1/18 × 1/8 × 1/18 तो ये 9 बार, ये 4 बार, ये 9 बार, यानी कि 9:4 आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो आंसर क्या होगा, 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार 16 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य को 30 किलोग्राम गेहूँ और 18 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के 20 किलोग्राम गेहूँ के साथ मिलाता है, और यह मिश्रण 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसको लाभ कितना होने वाला है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाले गेहूँ है, 16 रुपये पर केजी गेहूँ के क्रय मूल्य है उसका, और ये गेहूँ उसने कितने खरीदे हैं, ये गेहूँ उसने 3 किलोग्राम 30 किलोग्राम गेहूँ खरीदे हैं यानी 30 केजी गेहूँ खरीदे हैं। दूसरा क्या किया है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के 20 केजी गेहूँ के साथ मिलाता है, तो 20 केजी गेहूँ ऐसे हैं उसके पास में जो 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हैं, इनके साथ में मिला देता है, तो टोटल कितना हो गया उसके पास में, 50 केजी हो गया, और इस सबको वो 20 रुपये ये मिश्रण है उसे 20 किलोग्राम की दर से बेचता है यानी 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है इसको, तो 20 के हिसाब से बेचेगा तो टोटल कितने का बेच देगा, 1000 रुपये का बेच देगा वो, तो टोटल उसे लाभ या हानि कितने हुई है। अब खरीदा कितने में था, 1000 में तो उसने बेचा है, खरीदा कितने में था, 30 के हिसाब से 16 खरीदे नहीं, 16 × 3 = 48 480 रुपये खरीदे ये, तो यहाँ 20 के हिसाब से 18 तो यानी 18 × 36 360 के यहाँ पर खरीदे थे उसने, तो 0 8 6 14 असल 1 840 840 के खरीदे थे, 1000 के बेच दिया, तो फायदा कितने का हो गया इसको, 160 रुपये का यहाँ पर फायदा हो गया, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 160 रुपये।